जीएस न्यूज पर चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज का सवाल, कौन सा देश फेस स्कैन करने वाला पहला देश बन गया है? ए अफ्रीका, बी सिंगापुर, सी जापान या डी थाईलैंड। वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बस एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ, अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओए मार्ट है आपके लिए तैयार। ओए मार्ट के मोबाइल ऐप या वेबसाइट से करें खुलकर खरीदारी और पाएं होम डिलीवरी। घरेलू सामान की डिलीवरी नौगछिया अनुमंडल के किसी भी क्षेत्र में, संपर्क करें 8340371787 7325052437। ओए मार्ट, ऑनलाइन मार्केट। भागलपुर, जिलाधिकारी सह निर्वाचन पदाधिकारी ने की प्रेस वार्ता। भागलपुर के समीक्षा भवन में निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए 3 नवंबर को होने वाले आगामी द्वितीय चरण विधानसभा चुनाव को लेकर सारी तैयारी पूरी करने की बात कही। साथ ही जिलाधिकारी ने कहा कि आज तक नाम वापसी का समय था, नाम वापसी कराने के पश्चात चुनाव में भाग लेने वाले सभी प्रत्याशी की सूची विधानसभा वार जारी की जा रही है, जिसमें 156 भागलपुर विधानसभा से कुल 16 प्रत्याशी मैदान में हैं, 158 नाथनगर से 18, 152 बीरपुर से 8, 153 गोपालपुर विधानसभा से 8, 154 आरक्षित विधानसभा पीरपैंती से 21 प्रत्याशी मतदान प्रक्रिया में भाग लेंगे। वहीं भागलपुर के नाथनगर पीरपैंती विधानसभा में 2-2 बैलेट मशीनों का प्रयोग होगा, जिसको लेकर मतदान कर्मियों को प्रशिक्षण 2 बार कराया जा चुका है। 27 बूथों में ये मतदान का कार्य संपन्न कराया जाएगा। इसमें प्रिफरेंशियल वोटिंग होती है, किसी भी मतदाता को अपने चिन्हित अभ्यर्थी के नाम के आगे 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से सीरियल में नाम लिख करके वोटिंग करनी होती है। तो ये 27 बूथों पर हम लोग 22 तारीख को निर्वाचन संपन्न कराएंगे, जिसकी सारी तैयारियां पूरी हो गई हैं। मतदान कर्मियों की पहली ट्रेनिंग आज संपन्न हो चुकी है, कल माइक्रो ऑब्जर्वर्स की ट्रेनिंग देने के लिए जो इसके प्रेक्षक हैं वो प्रेक्षक आएंगे और प्रेक्षक के द्वारा टाउन हॉल में प्रशिक्षण का कार्यक्रम संपन्न किया जाएगा। और 21 तारीख को पोलिंग पार्टी और पुलिस पर्सनल कलेक्ट्रेट से DRDA के पास से यहां से डिस्पैच किए जाएंगे, जो कि 2700 मतदान केंद्रों पर जाकर मतदान कराएंगे। और वहां पर जो पोल्ड सामग्री रहेगी उसको पूर्णिया में जाके जमा कराया जाना है, चूँकि इसमें कमिश्नर पूर्णिया इसके रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं, उसकी भी सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और लगातार निर्वाचन से संबंधित कार्य संपन्न किए जा रहे हैं। नवगछिया में NDA कार्यालय का उद्घाटन। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चुनाव संबंधी कार्य के लिए NDA का एक कार्यालय नवगछिया के स्टेशन रोड ग्रामीण बैंक के बगल में खोला गया है। गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक सह NDA के प्रत्याशी नरेंद्र कुमार नीरज और गोपाल मंडल ने फीता काटकर कार्यालय का उद्घाटन किया। मौके पर जदयू जिला अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार सिंह कुशवाहा समेत सैकड़ों NDA के कार्यकर्ता मौजूद थे। निर्दलीय प्रत्याशी दीपक भुवानिया ने नामांकन लिया वापस, चुनावी संग्राम के पहले दीपू ने किया सरेंडर। भागलपुर विधानसभा में मत का खेल जारी है, इसी कड़ी में नामांकन वापसी के अंतिम दिन निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में संघर्ष का झंडा थामे दीपक भुवानिया ने अपना नामांकन पत्र वापस ले लिया। जानकारी के अनुसार पिछले कई दिनों से भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से लेकर स्थानीय नेता और प्रत्याशी रोहित पांडे लगातार उनसे नामांकन वापसी का अनुरोध कर रहे थे। खबर तो यह भी है कि इसमें गोड्डा से भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे ने काफी प्रयास किया है। निशिकांत जी का कोई दबाव नहीं था, उन्होंने मुझे आग्रह किया था और क्योंकि मेरे संबंध से व्यक्तिगत बहुत अच्छे हैं तो मेरे बारे में हमेशा वो अच्छा सोचते हैं। पार्टी का दबाव? पार्टी ने तो मुझे आग्रह किया है। पार्टी का दबाव? अब हमारा अध्यक्ष जी पूछिए, हमारे जिला अध्यक्ष हमारे साथ हैं। सर इतना लेट पार्टी से? अध्यक्ष जी पार्टी से दबाव इनको दिया गया बैठने के लिए? निश्चित पार्टी से दबाव था, माननीय नेता हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारी बात हो रही थी और हमको जवाब दे दी गई, तब भुवानिया जी से बात करके उनको वापस करवाई और 4 दिन से संपर्क में था और हमारे संजय जी उपाध्यक्ष जिला के हैं, दोनों आदमी बराबर इनसे संपर्क में थे और कल फिजिकली इनसे बात किया और उनको राज्य के अभिनंदन। ऐसे कौन लोग सर दबाव दे रहे थे? सर पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष अशोक चौधरी जी हैं, आला कमान नीतीश कुमार जी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे हैं, उनसे हमारी बात हो रही थी इनको वापस करवाने के लिए।
बीहपुर एवं गोपालपुर विधानसभा से 8-8 प्रत्याशी चुनावी मैदान में, नाम वापसी के दिन किसी ने नहीं लिया नाम वापस। दूसरे चरण में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सोमवार को बीहपुर एवं गोपालपुर विधानसभा से किसी भी प्रत्याशी ने नामांकन वापस नहीं लिया। निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा सोमवार को दोनों विधानसभा के प्रत्याशी के नामों की घोषणा कर दी गई है। बीहपुर विधानसभा के निर्वाचन पदाधिकारी सह डीसी LR परमानंद शाह ने कहा कि विधानसभा चुनाव को लेकर कुल 10 लोगों ने नामांकन दाखिल किया था, जिसमें स्क्रूटनी के दिन 2 लोगों का नामांकन रद्द किया गया है। इसके अलावा 8 प्रत्याशी का नामांकन स्वीकृत किया गया है। सोमवार को किसी भी प्रत्याशी ने नामांकन वापस नहीं लिया है। बीहपुर विधानसभा से 8 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। वहीं गोपालपुर विधानसभा के निर्वाचन पदाधिकारी सह SDO इंजीनियर अखिलेश कुमार ने बताया कि कुल 14 प्रत्याशी ने नामांकन दाखिल किया था, जिसमें स्कूटनी में 6 प्रत्याशी का नामांकन रद्द किया गया और 8 प्रत्याशी का नामांकन स्वीकृत किया गया है। नाम वापसी के दिन किसी ने भी नामांकन वापस नहीं लिया। कुल 8 प्रत्याशी चुनाव में हिस्सा लिए हैं। 1 निर्दलीय प्रत्याशी थे जिन्हें सिंबल प्रदान किया गया। 153 गोपालपुर विधानसभा से प्रत्याशी, जदयू प्रत्याशी नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल, राजद प्रत्याशी शैलेश कुमार, लोजपा प्रत्याशी सुरेश भगत, राजपा प्रत्याशी संजीव कुमार सिंह, जाप प्रत्याशी सबन आजमी, निर्दलीय प्रत्याशी रुचि सिंह, वंचित समाज पार्टी से प्रेम शंकर सिंह, पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया के प्रत्याशी शंकर कुमार हैं जो चुनावी मैदान में हैं। वहीं 152 बीहपुर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी इंजीनियर कुमार शैलेंद्र, राजद प्रत्याशी शैलेश कुमार उबुलो मंडल, सोशलिस्ट पार्टी इंडिया के प्रत्याशी गौतम प्रीतम, निर्दलीय प्रत्याशी मोहम्मद सनोवर, महेंद्र सिंह परचाधारी, प्लूरल्स पार्टी से निधि भूषण, जाप प्रत्याशी अजमेरी खातून एवं बहुजन समाज पार्टी से मोहम्मद हैदर अली हैं। नवगछिया जन जन पार्टी के प्रत्याशी और इस्माइलपुर के जिला पार्षद विपिन मंडल पर आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में प्राथमिकी दर्ज। नामांकन के दिन आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में राष्ट्रीय जन जन पार्टी के प्रत्याशी तेतरी निवासी संजीव कुमार सिंह और इस्माइलपुर के जिला पार्षद विपिन कुमार मंडल के विरुद्ध नवगछिया थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। नामांकन ड्यूटी में गेट नंबर 4 पर प्रतिनियुक्त सर्किल ऑफिसर विश्वास आनंद ने इस्माइलपुर के जिला पार्षद इस्माइलपुर निवासी विपिन कुमार मंडल के विरुद्ध नवगछिया थाने में आदर्श आचार संहिता उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई है, तो दूसरी तरफ संजीव कुमार सिंह पर भी आदर्श आचार संहिता उल्लंघन करने के मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। नवगछिया पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है। नवगछिया में राजधानी फैशन रेडीमेड स्टोर का भव्य शुभारंभ। नवगछिया में दिल्ली मुंबई कोलकाता के रेडीमेड वस्त्रों के संकलन के साथ राजधानी फैशन नामक रेडीमेड स्टोर का भव्य शुभारंभ किया गया। दुकान का उद्घाटन विनोद प्रसाद गुप्ता एवं राधा देवी ने किया। मौके पर पूजा अर्चना कार्यक्रम देवान ने किया। उद्घाटन समारोह में समाज सेवी पंकज कुमार भारती, प्रवीण कुमार भगत, चंद्रगुप्त शाह, रणधीर यादव, प्रवेश यादव, धर्मेंद्र यादव, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी फाइटर जेम्स, पप्पू भगत, राम सेवक भगत, विनोद भगत, अभिनंदन यादव, युवा गौतम यादव, सेंट्रल बैंक के मैनेजर विधान, गुलशन मंडल, अभिनेता अजीत साहू, सुमित कुमार, राजेश गुप्ता सहित कई अन्य मौजूद थे। दुकान के संचालक भोजपुरी स्टार गायक मिथुन महुआ मधेसिया एवं विजय आनंद ने बताया कि यहां पर कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, गोवा के विभिन्न शहरों डिजाइनों के वस्त्र काफी सस्ते मूल्यों पर उपलब्ध हैं। आज हमारे नए दुकान की ओपनिंग हुई है और यहां ब्रांडेड सामान, जीन्स हो गया, चाहे शर्ट हो गया, सब ब्रांडेड चीज सस्ते दामों पर मिलेंगे। डायरेक्ट फैक्ट्री से कलकत्ता दिल्ली के परचेजिंग है, फैक्ट्री के रेट पे यहाँ पे मिलेंगे। हर तरीके के वैरायटी मिलेंगे, जूते भी हैं, जींस है, टी शर्ट है, सभी के लिए किफायती रेट पे। मैं लोक गायक मिथुन मोहन मदेशिया और आज कलाकारी के साथ साथ हमारी दुकान की दूसरी दुकान की ओपनिंग हुई है, जिसका नाम है राजधानी फैशन। इसमें हमको मतलब बाजार में तो सभी दुकानें अच्छे हैं और खास करके हमने दुकान इसलिए खोला है इस नवगछिया बाजार में, स्टेशन रोड में, स्टेशन के सामने आप कह लीजिए या गणपति होटल के बगल में है हमारी दुकान। मतलब नवगछिया में ऐसी दुकान की आवश्यकता थी जो दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता का लेटेस्ट दुकान हमारी दुकान में उचित मूल्य पे मिलेगा और लोगों को ये बात का एहसास भी हुआ कि हाँ, रियल में इनकी दुकान पे कम दाम में कपड़े का खरीदारी हमने प्राप्त किया। वर्तमान में क्या सब उपलब्ध है आपके दुकान में? हमारे दुकान में लेडीज, जेंट्स, मतलब लेडीज के लिए गाउन जो होता है वो है, टॉप है और मतलब टी शर्ट वगैरह है, और जेंट्स के लिए भी है,
बच्चे के लिए भी आइटम है, जींस है, टी शर्ट है, बच्चे के लिए थ्री पीस आइटम, मतलब बहुत सारे रेडीमेड के सारे सामान हमारे पास उपलब्ध। जूते जूते शूज भी हमारे पास कुछ, तो मतलब यहाँ आएंगे तो मतलब कोई भी खरीदारी करने आए तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से सामान लोग ले सकें। हम निवेदन करेंगे कि हमारे दुकान में आप लोग जरूर एक बार पधारें। लोक गायक मिथुन महुआ का बहुत बहुत प्रणाम। अब भाई विजय आनंद हमारे इस दुकान को संभालेंगे और आप लोग का प्यार ही सबसे बड़ी बात है, आप अपना प्यार जरूर देंगे हम लोग को, जरूर हमारे दुकान में। माँ की अस्थि कलश विसर्जित करने आए पुत्र गंगा नदी में डूबा। नवगछिया के परबत्ता थाना क्षेत्र के महादेवपुर घाट पर माँ का अस्थि कलश विसर्जित करने आए मधेपुरा जिले के सिंहेश्वर स्थान दुर्गा चौक निवासी संजय भगत 40 वर्षीय पिता रामचंद्र भगत गंगा नदी में डूब गया। संजय भगत के गंगा नदी में डूबते देख उसके साथ आए शिवेंद्र मंडल व मिथिलेश यादव जब उसे बचाने के लिए नदी में गए तो वह भी डूबने लगा। तीन लोगों को गंगा नदी में डूबते देख मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने बांस के सहारे डूब रहे शिवेंद्र मंडल व मिथिलेश यादव को बचा लिया, लेकिन संजय भगत नदी में डूब गया। संजय भगत के गंगा नदी में डूबने के बाद स्थानीय लोगों द्वारा इसकी सूचना परबत्ता पुलिस को दी गई। सूचना मिलने के बाद परबत्ता पुलिस मौके पर पहुंची। इसके बाद सबकी तलाश के लिए NDRF की टीम के द्वारा तलाश शुरू की गई, लेकिन देर शाम तक NDRF की टीम द्वारा संजय भगत का शव बरामद नहीं कर पाई थी। ये बताइए तो सिंहेश्वर से आए सर संजय भैया के लिए करके, हम ड्राइवर हैं, हम गाड़ी लगा करके आप यहाँ पर आए। एक धार कथा कपड़ा वपड़ा खोल करके भैया हमको दे दिया पकड़ के, हम बैठे हुए थे वहाँ पर बैठ करके, भैया गया पूजा करने के लिए पंडित जी को लेकर के, पूजा वूजा सब करवा करके पानी में जो मतलब भसा रहा था, भसा करके निकलने वाला था, उसको टांग में फिसल के पानी में गया भैया, जैसे मतलब दे दे इतना पानी में आया, पानी में आने के बाद जैसे मतलब दो लड़का जो उसके साथ में गया था वो धार कात में खड़ा था वो बैठ करके देख रहा था। जब ज़्यादा पानी में गया था दोनों लोगों से बचाने के लिए गया, ये दोनों भी डूबने लगा, भैया दो बार पानी में डूबा होगा, पानी में जैसे मतलब भैया डूब के, कौन भैया? संजय भैया। अच्छा संजय भैया जैसे मतलब दुए बार पानी में उबा डूबा, फिर जैसे मतलब पानी में डूब के क्या करने आए हुए थे? अथी फुला बसाने के लिए आया था मम्मी को। अच्छा धार में तो खोज सब मिला बॉडी है? बॉडी मिला नहीं सर, वो कहाँ मिला बॉडी? नहीं मिला है यहाँ, जैसे मतलब कोई व्यवस्था नहीं है सर। क्या व्यवस्था नहीं है? क्या नए जोड़ी है, नए बांस है गड़ा हुआ, जोड़ी रहना चाहिए नदी का आदमी, जैसे मतलब बांस गड़ा हुआ रहना चाहिए यहाँ कोनो, जैसे मतलब कहाँ से आए हैं? सिंहेश्वर से आए हैं। कहाँ पड़ता है ये? दुर्गा चौक जैसे मतलब मधेपुरा जिला में पड़ता है। आपका नाम? बबलू यादव। क्या घटना हुई है यहाँ? एक सिंहेश्वर से संजय कुमार भगत आए थे अस्थि अपना देने माँ का, तो यहाँ पे जैसे दिया वो पिछल के चला गया, ना तो यहाँ रस्सी है कहीं देख लीजिए रस्सी, ना तो मतलब जो घाट लेता है या कुछ भी लेता है, या CO साहब को चाहिए कि रस्सी उसी का व्यवस्था किया जाए। अगर एक तारीख को भी डूबा है यहीं पे दो आदमी, आज भी डूबा, यहाँ कोई देखने वाले NDRF टीम को हम फोन किए, वो आया 3 घंटा के बाद। इस तरह का व्यवस्था है, ना तो कभी कोई आता है ना कुछ करने, यहाँ डूब जाए मर जाए, सरकार को कोई देखना नहीं, ना DM साहब को नहीं देखना है, ना यहाँ के कोई क्षेत्र पदाधिकारी को देखना है। बैरिकेडिंग क्या हुआ नहीं है? नहीं, पूरा देख लीजिए यहाँ से वहाँ तक कहीं भी बैरिकेडिंग नहीं है, ये लचर व्यवस्था इतना है कि यहाँ डूब जाए मर जाए कोई किसी को नहीं जानकारी है। क्या नाम हुआ? मेरा अमित कुमार। कृपया ध्यान दें कि अब खबर 1 मिनट के विज्ञापन के बाद प्रारंभ होगा। चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट, घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। फ्री होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 8969339666। माँ गायत्री प्लाई फर्स्ट फ्लोर ऑटो स्टैंड नवगछिया NH31। सभी तरह के फास्ट फूड के लिए एक बार जरूर पधारें सुंदरम फास्ट फूड, राजेंद्र कॉलोनी मोड़ स्टेशन के सामने नवगछिया। अब आपके शहर नवगछिया में पहली बार फ्लैक्स बैनर प्रिंट हाथों हाथ पाए। फ्लैक्स प्रिंट लाइट बोर्ड, रेडियम बोर्ड, नेम प्लेट, नंबर प्लेट, ग्रेनाइट मार्बल पत्थर पर खुदाई के लिए संपर्क करें विनायक आर्ट, गौशाला रोड पुरानी गैस ऑफिस के सामने नवगछिया। मोबाइल 7295830773, 93043-67-170। नवगछिया में एक दिवसीय विशेष ताइक्वांडो प्रशिक्षण शिविर का आयोजन। नवगछिया के राजेंद्र कॉलोनी में ताइक्वांडो क्लब के प्रशिक्षक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जेम्स फाइटर के नेतृत्व में एक दिवसीय स्पेशल एडवांस ताइक्वांडो प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर
के मुख्य प्रशिक्षक घनश्याम प्रसाद, राष्ट्रीय रेफरी सह जिला महासचिव थे। शिविर के उद्घाटन में डॉक्टर अनंत विक्रम, वार्ड पार्षद प्रतिनिधि मनीष कुमार सिंह, शिक्षक शिव शंकर कुमार, हरिलाल पोद्दार, संजय यादव सहित कई अन्य उपस्थित थे। शिविर में प्रशिक्षण के दौरान राष्ट्रीय रेफरी घनश्याम प्रसाद ने ताइक्वांडो खिलाड़ियों को किक पंच, ब्लॉक स्टेप, इंस्पायरिंग फाइट और लड़कियों को आत्मसुरक्षा के लिए ट्रेनिंग दी। मौके पर शिविर में प्रियांशु कुमार, मीनू, प्रिया, अभिनव, शिवम, अनन्या, अर्जित, प्रतीक, तानिया, खुशी, सक्षम, रामनाथ, अदिति, हर्ष, हरिओम, माधव, सालू, आदित्य, दिव्यांशु सहित कई अन्य उपस्थित थे। नवगछिया सेक्टर मजिस्ट्रेट के भौतिक सत्यापन में 5 दिनों तक विद्यालय में मिला लटका ताला, कारण बताओ नोटिस जारी। गोपालपुर विधानसभा चुनाव के लिए बनाए गए विभिन्न विद्यालयों में मतदान केंद्र के निरीक्षण के दौरान बाबू टोला कमलाकुंड मध्य विद्यालय सेक्टर मजिस्ट्रेट के निरीक्षण के दौरान लगातार 5 दिनों तक उक्त विद्यालय में ताला लटका मिला, जिस कारण उक्त विद्यालय स्थित मतदान केंद्र पर मूलभूत सुविधाएं जैसे चापाकल, शौचालय, रैंप, बिजली व उपकरण का भौतिक सत्यापन नहीं किया जा सका। सेक्टर मजिस्ट्रेट ने इसकी शिकायत प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी विजय कुमार झा से किया है। उन्होंने तत्काल उस विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक को शोकाउस करते हुए वीडियो सहायक निर्वाचित पदाधिकारी प्रियंका को दी है। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने बताया कि सोमवार के निरीक्षण के दौरान मध्य विद्यालय धरारा में ताला लटका मिला, प्राथमिक विद्यालय सिंधिया मकनपुर में अंजू राय व उर्दू, मध्य विद्यालय लती पाखर मस्जिद के पास में रूबी कुमारी, विसरा खातून व सभा उनसर बिना किसी सूचना के गायब मिले। उन्होंने कहा कि बिना सूचना के गायब रहना व विद्यालय का नहीं खुलना गंभीर अनुशासनहीनता है, तत्काल शोकाउस किया जा रहा है, संतोषप्रद जवाब नहीं मिलने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नवगछिया स्टैंडिंग कमेटी की हुई बैठक। नवगछिया अनुमंडल कार्यालय में सोमवार को निर्वाचित पदाधिकारी सह एसडीओ अखिलेश कुमार की अध्यक्षता में स्टैंडिंग कमेटी की बैठक हुई। बैठक में जिला से आए अभ्यर्थी, व्यय एवं अनुश्रवण कोषांग के नोडल पदाधिकारी सहित गोपालपुर विधानसभा के प्रत्याशी व उनके प्रस्तावक मौजूद थे। वहीं बैठक में अभ्यर्थी, व्यय एवं अनुश्रवण कोषांग के नोडल अधिकारी ने प्रत्याशी को चुनाव के दौरान होने वाले खर्च का विवरण, का लेखा जोखा कैसे करना है इस बारे में बताया। इस दौरान उन्होंने अभ्यर्थी को 3 तिथि 23, 27 एवं 29 अक्टूबर को खर्च के ब्यूरो को अंकित करने वाले रजिस्टर की जांच करवाने को कहा है। ढोलबज्जा के कदवा में 285 लोगों की हुई कोरोना जांच, सभी मिले निगेटिव। सोमवार को नवगछिया अस्पताल से आए मेडिकल टीम ने खैरपुर कदवा पंचायत अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय विंटोली कदवा में कोरोना जांच शिविर लगाकर वहां के करीब 285 लोगों का जांच किया, जहां सबों की रिपोर्ट निगेटिव आई है। जांच टीम में चिकित्सा सहायक विजय कुमार, एलटी प्रवीण कुमार व महानारायण मंडल, आशा फैसिलिटेटर बबीता कुमारी व आशा कार्यकर्ता बबीता कुमारी भी शामिल थीं। नवगछिया शराब बनाने का उपकरण बरामद। इस्माइलपुर थाना क्षेत्र के फुलकिया देहरा में इस्माइलपुर पुलिस द्वारा की गई छापेमारी में शराब बनाने वाला उपकरण बरामद किया गया है। इस कार्रवाई में पुलिस ने देहरा से एल्युमिनियम का एक बड़ा तसला, एक छोटा तसला, ब्लू रंग का प्लास्टिक डब्बा, 8 HP कंपनी का बड़ा सिलेंडर गैस जिस पर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना लिखा हुआ है बरामद किया गया। नवगछिया शराब पीने के आरोप में एक गिरफ्तार। परबत्ता थाना क्षेत्र के जपतेली निवासी रितेश कुमार को परबत्ता पुलिस ने शराब पीने के मामले में जपतेली गांव से गिरफ्तार कर लिया है। अब आपके शहर चौसा में भी उषा फर्नीचर, सीसम सागवान स्टील पलंग, गोदरेज, त्रिवेणी वैशाली संगम अलमीरा, सोफा, कुर्सी, टेबल, डाइनिंग सेट सहित ऑफिस के सामानों सहित फर्नीचर एवं फर्निशिंग सहित मिल्टन कंपनी के सभी सामान उचित मूल्य पर उपलब्ध है। इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे आयरन, पंखा, कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन सहित कई अन्य उपलब्ध हैं। संपर्क करें राकेश जायसवाल 7979850079 7549683888 उषा फर्नीचर, गांधी चौक, कलासन रोड, चौसा। बस एक फोन घुमाओ, घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओए मार्ट है आपके लिए तैयार। ओए मार्ट के मोबाइल ऐप या वेबसाइट से करें खुलकर खरीदारी और पाएं होम डिलीवरी। घरेलू सामान की डिलीवरी नवगछिया अनुमंडल के किसी भी क्षेत्र में। संपर्क करें 8340371787 7325052437। ओए मार्ट, ऑनलाइन मार्केट। अब आपके शहर नवगछिया में पहली बार
फ्लैक्स बैनर प्रिंट हाथों हाथ पाए। फ्लैक्स प्रिंट, लाइट बोर्ड, रेडियम बोर्ड, नेम प्लेट, नंबर प्लेट, ग्रेनाइट मार्बल पत्थर पर खुदाई के लिए संपर्क करें विनायक आर्ट, गौशाला रोड, पुरानी गैस ऑफिस के सामने, नवगछिया। मोबाइल 7295830773, 93043 67170।